मजबूत स्थिति में इस समय गोपालपुर की टीम थोड़ी सी सूझबूझ की कमी है, भर्ती पढ़ाई स्कूल की तालमेल की कमी है और वो तालमेल देखने को मिल रहा है गोपालपुर टीम को। काफी सूझबूझ, बिल्कुल एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं इस समय। भर्ती पढ़ाई स्कूल के खिलाड़ी स्कूल की तरफ से और अच्छी तरह से पकड़ लिया यहाँ पे, लेकिन असफल रहे बाकी साथी खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया और काफी मायूस मुद्रा में इस समय भक्तिपुर स्कूल के खिलाड़ी, जिसमें कुचाई कोट थाना के अपर थाना अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सर, बंदौल पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री अब्दुल रहीम जी, बंदौल पंचायत के भूतपूर्व मुखिया श्री लालजी प्रसाद जी, शिक्षक श्री वीरेंद्र चौबे जी, पत्रकार श्री जीपी लाल श्रीवास्तव जी, बाकी लोग बाहर हो जाओ और खिलाड़ी लाइन पर रहो। आप लोग भाई ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। मुखिया श्री अब्दुल रहीम जी, भूतपूर्व मुखिया श्री लालजी प्रसाद जी, शिक्षक वीरेंद्र चौबे जी, दरोगा सर जी, संतोष बच्ची जी, महबूब आलम, सराज आलम, नियाज। हाई स्कूल के लड़के अंडर 14 यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने आए थे और इन बच्चों के हौसलों की बात देनी पड़ेगी। आपने हौसला किया, आपको जरूर दोबारा मौका मिलेगा आपके उम्र वर्ग में। आज की तरह अगला आयोजन नहीं होना चाहिए, अगला आयोजन फिर से होगा अंडर 14 का और उसमें आपको दोबारा फिर से मौका मिलेगा, इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। गोपालपुर हाई स्कूल के ये बच्चे अंडर 14 यहाँ पे कुछ स्थितियां परिस्थितियां बदल गई, उत्साह आवर्धन करते हुए और ये गोपालपुर के टीम के बच्चे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। बच्चों को इनाम दीजिए। भोजपुर टीम के हाई स्कूल के बच्चे इनाम लेते हुए, चलिए आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे आप बहुत अच्छा करिए अपने जीवन में और नाम कराइए, यूं ही अपने स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने गांव अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहिए। हम सबकी दुआ। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बगौज के टीम कैप्टन अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ यहां आएंगे। यह आयोजन किया गया है ट्रॉफी देते हुए डॉक्टर राजा हुसैन, बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठिया खास के श्री दरोगा सर, और आपने अपनी टीम को काफी अच्छे तरीके से समझाया है, सजाया है, लेकिन मार्क साहब ये ध्यान रहे। चुनता है कि किस साइड से वो खेलना स्टार्ट करेगा और पहला रेड उसी कप्तान के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा एक फीट बाहर रहे भाई, आप लोगों से आग्रह है कि एक फीट बाहर रहे। डी और डाई रेड में मनोज कुमार जी आएंगे थाना अध्यक्ष, डी और डाई रेड में और अपील अपील केवल अपील, अंपायर का इशारा। एक मिनट रेफरी डिसाइड करेगा। एक मिनट रेफरी डिसाइड करेंगे। ये तो आपके कौन लोग अंदर, ए बेटा तुम कौन लोग आ रहे हो, इसके आगे आता है तुम आउट हो, तुम अंदर क्यों गए, क्यों गए हो, इधर आओ खिलाड़ी हो क्या हो, अंपायर और कप्तान नहीं छूटे आते हो तो आपका एक पॉइंट हट जाएगा। और काफी शानदार पकड़ लिया, करने के प्रयास में चुके हैं, चार खिलाड़ियों ने कट किया है। रेफरी डिसाइड करेंगे, खिलाड़ी कोई नहीं जाएगा, यहाँ तीन रेफरी है, रेफरी भी डिसाइड। वहां चार खिलाड़ी वहां बोनस के कोई चांस नहीं, और डिफेंड नहीं कर सके और सुपर पाते हैं, तीन खिलाड़ी पकड़ेगा और तीन रन में तो भी है। गोपालपुर 12 और भूपतिपुर हाई स्कूल 9, भूपतिपुर 9 और गोपालपुर 12। समय कितना है गया नदी भाई, सिंचाई को थाना के अपर थाना अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी का आगमन हो चुका है मैच के उद्घाटन के लिए। बंतई पंचायत के मुखिया श्री अब्दुल रहीम जी, बंतई पंचायत के भूतपूर्व मुखिया श्री लालजी शाह जी मौजूद है, और साथ ही साथ आगमन हो चुका है कुचार कोट थाना के अपर थाना अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी। जो स्वागत किया जाए श्री मनोज कुमार का, श्री मनोज कुमार सर कुचार कोट थाना अध्यक्ष, अपर थाना अध्यक्ष कुचार कोट, श्री अब्दुल रहीम जी बंतौल पंचायत वर्तमान मुखिया, श्री लालजी शाह जी बंतौल पंचायत भूतपूर्व मुखिया, श्री वीरेंद्र चौबे जी शिक्षक भक्तिपुर हाई स्कूल, श्री आठ किशोर मातो जी शिक्षक बघरुच प्राइमरी स्कूल, पत्रकार श्री बीपी लाल श्रीवास्तव जी, महबूब आलम जी, साजिद आलम, सराज आलम, डॉक्टर राजा हुसैन साहब और तमाम लोग, हुसैन सर और अन्य जितने भी लोग हैं, सब लोग पत्र परिचय करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे और थोड़ा और नजदीक आ गए। और दर्शकों से आग्रह है, चारों टीम के खिलाड़ी आ जाए ग्राउंड में, चारों टीम के खिलाड़ी आ जाए, खुर्शेद मास्टर और तमाम टीम जो यहाँ पर सूरत ताली बजाओ, और चारों टीम आकर खड़ी हो गई है। झूलन प्रसाद जी के कानों तक आवाज जा रही है तो हमारे पास आ जाए। हैप्पीली मूड है तो यहाँ पे चिल्ड्रन डे के अवसर पे यहाँ पे कबड्डी खेला जा रहा है, और हमारे स्कूल खुर्शेद सर इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, और राजा हुसैन डॉक्टर साहब नमस्कार, यहाँ पे आए हुए सभी श्रोताओं को। समिति यहाँ पे बलौच के प्रांगण मार्केट जो बाजार समिति है, खास करके राजा हुसैन डॉक्टर साहब के सदन में से ये कबड्डी का प्रतियोगिता एक मिनट का खेल बाकी है। चलो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। पंचायत के मुखिया श्री लट्टू रहीम जी की कारपोर्ट अपर थाना अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी को एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। अब इसके बाद डॉक्टर राणा हुसैन साहब बनटोल पंचायत के भूतपूर्व मुखिया श्री अब्दुल श्री लालजी प्रसाद जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके बाद से पत्रकार श्री दीपू लाल श्रीवास्तव जी वर्तमान मुखिया श्री अब्दुल रहीम जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। तालियों में कोई कमी नहीं होना चाहिए भाइयों, काफी शानदार जी ने सम्मानित किया और आशीर्वाद स्वरूप सर ने डॉक्टर राजा हुसैन सर को संतोष जी को सम्मानित किया। साथ ही साथ यहाँ गवाह पूरे दर्शक, आप लोग का घर है, कम से कम आप लोग शांति का परिचय दें। और जो भी लकीर लगाई गई है कृपया उनसे दो या तीन के बीच आए हैं, बहुत सारे काम है प्रशासनिक विभाग का और अपना कीमती बहुमूल्य कीमती समय मनोज सर निकाल के यहाँ पे आए हैं। शुक्रगुजार है हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे सभी बहुत के जो भी और खास करके खिलाड़ी हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके तरफ से हम लोग शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच अपना समय दिया। और दोनों ही टीमें ग्राउंड पे है, पहला टीम जो मैच हुआ भक्तिपुर हाई स्कूल, और ताली कम से कम ताली नहीं रुकनी चाहिए, ताली बजाते खिलाड़ी परिचय प्राप्त करते हैं यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी मनेश्वर मुखिया जी अब्दुल रहीम जी, भूतपूर्व मुखिया हमारे लालजी प्रसाद जी, टॉस का जो कार्यक्रम है इस समय चल रहा है, देखते हैं कौन टीम जीतती है टॉस। टॉस एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल बगहुत रेड कलर की है, पीले कलर के टी शर्ट में इस समय एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल बगहुत और मटिया कबड्डी समय चल रही है, बहुत ही अच्छा है ये दोनों टीमें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, इन दोनों टीमों के बीच कबड्डी होने का संभावना है जो कि दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया और उसे बहुत ही अच्छा तरह से बहुत ही बढ़िया वहां पे समय होता भाई। दर्शकों में काफी होती, दर्शक काफी अच्छा खेल देखना चाहते हैं और खिलाड़ी भी, दोनों खिलाड़ी जोर तोड़ का टक्कर देते हुए। कोच मुख्य कोच है दरोगा गद्दी, शिक्षक दरोगा गद्दी साहब इसके मुख्य कोच है, काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और डिफेंस काफी मजबूत है, नटिया खास की काफी शानदार डिफेंस है। डीएनडाई में बता दूं इसमें यहाँ पर आप मार्च के आ सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ा के आ सकते हैं, यानी आप कोई ना कोई पॉइंट अर्जित करना ही होगा, नहीं तो पॉइंट दूसरे टीम को मिलेगा। सुचित जो कबड्डी की खेल लिए रहे हैं वो थोड़ा जानकारी नहीं है मटिया खास को, इसलिए इनको दिक्कत हो रहा है। बहुत ही अच्छा वहां पे पकड़ा लेकिन साथी खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। इस समय काफी बेहतरीन इस समय कबड्डी खास के खिलाड़ी चले, काफी बेहतरीन खेल इस समय कुछ विवादों से भरा हुआ लेकिन बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पकड़, बहुत ही बढ़िया खेल लिखा
मार दीजिए। जबरदस्त कमेंट आएगा यहाँ पे। चल और ये दो खिलाड़ी बेहतरीन। तो गोपालपुर की टीम 100% जीतने की उम्मीद में है और बगौज की टीम हार चुकी है यहाँ पे और वो गोपालपुर की टीम जीतने वाली है, समझ रहे हैं ना? मठिया और बगौज टीम हार गई, गोपालपुर की टीम जीत गई। हमारे साहब यहाँ पे यही कमेंटेटर थे, देख रहे हैं ना, मठिया की टीम जीत गई है और लग रहा है कुछ इन लोगों को इनाम भी देना चाहिए। गोपालपुर टीम जीते, बहुत ही बेस्ट स्कोर से जीते।